वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के हमारे टॉपिक का नाम रहेगा इंटरप्ट्स। इंटरप्ट क्या होते हैं इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरली इंटरप्ट क्या होते हैं, और अगर हम स्पेशली 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसमें कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटरप्ट की जो आपका टॉपिक है ना, इंटरप्ट का टॉपिक, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक इंटरप्ट के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस का मतलब मेरा क्या है कि हम उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स बनते हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे ही आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, हम इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मेरा नाम है चैलशा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास हमारी। अब देखो, इंटरप्ट क्या होते हैं। देखो, इंटरप्ट हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हो, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंटरप्ट का टॉपिक पढ़ते हो, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने इंटरप्ट देखा है। जब भी आप सीपीयू शेड्यूलिंग देखते हो तो वहां पे भी आपको हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी देखते हो, तो एक तरह से हम वहां पे भी क्या करते हैं, इंटरप्ट को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे चलिए बात करें कि एक इंटरप्ट क्या होता है। जनरल सी बेसिक सी इसकी डेफिनेशन आपको आती भी होगी, आपको समझ में भी आता है कि इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, एक रुकावट आना, है ना। इंटरप्ट क्या हुआ भाई, आप कोई काम कर रहे थे, है ना, आपने अपना कोई काम कर रहे हो, अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, और कोई और आ गया। अगर आप किसी कंपनी में हो एंड कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऊपर से आपका बॉस आ जाता है और उसने क्या दे दिया आपको, एक दूसरा काम दे दिया, बोलता है कि पहले इसको करो, अपना काम बाद में करना। तो ये क्या हुआ, ये आपके काम में क्या हुई, एक रुकावट पैदा हुई। अभी आपका काम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और यहाँ पे बॉस ने वो काम दिया है तो मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, है ना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, तो आपको पहले वही काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, इंटरप्ट कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका यही लगता है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर में भी मान लो कोई एक ऐसा इंटरप्ट आ गया जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी लेके आ रहा है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि भाई लोएस्ट प्रायोरिटी के इंटरप्ट भी होते हैं जिनको हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी के इंटरप्ट होते हैं जिनको मतलब अभी की अभी करना है, कोई डिले नहीं करना है उसमें, वो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से इंटरप्ट आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, कौन से लोएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट आ गया और आपको क्या करना है, अब आपका जो प्रोसेसर है, अभी आप बॉस ने तो आपको काम दिया है, मतलब प्रोसेसर कौन है, आप क्या बन गए, प्रोसेसर बन गए, है ना। और कंप्यूटर में कौन काम हैंडल करता है, प्रोसेसर हैंडल करता है। तो अब आपका प्रोसेसर क्या करेगा, पहले वो इंटरप्ट वाला काम पूरा करेगा, उसके बाद वो काम पूरा करके फिर वो वापिस से जो काम कर रहा था उसको फिर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड एक बात ध्यान रखना, अब आपको भाई वो पहले वाला काम फिर से स्टार्ट करना है, जहां पे बंद किया था वहीं से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए उसकी जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है वो भी क्या होती है, किसी ना किसी रजिस्टर में सेव हो जाती है, जिससे कि बाद में उस काम को फिर से रिज्यूम किया जा सके। तो आपको इंटरप्ट समझ में आ गया, बेसिक सी डेफिनेशन है समझ में आ गई। अब इस इंटरप्ट की डेफिनेशन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए तो आप अपना आंसर करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे अलग से, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, फुल फॉर्म है ये किसकी, ISR की, ISR फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ISR क्या होता है। तो ISR की फुल फॉर्म है आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब ये क्या है, तो आपको पता है, वैसे अभी हमने ये टॉपिक नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर में बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कि बस कौन कौन सी होती है। तो वैसे मैं बताऊं कि एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, इस तरह से क्या होता है, आपके सारे काम बसेस के ऊपर होते हैं, है ना। तो इन्हीं बस में से देखो क्या कह रहा है कि इन इनपुट डिवाइस वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइंस इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस एंड इज कॉल्ड द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब ये जो बस कंट्रोल लाइन है ना, इनमें से कोई एक लाइन इंटरप्ट हैंडल करने को दे दी जाती है कि भाई ये लाइन है, इसका तुम्हारा काम है कि तुम सारे इंटरप्ट को हैंडल करोगी।
एंड इस लाइन को क्या नाम दिया गया है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। और अगर आपसे कंप्यूटर की ही टर्मिनोलॉजी में इसकी पूरी डेफिनेशन पूछ ली जाए ISR क्या होता है, तो देखो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहली बात ISR एक सॉफ्टवेयर रूटीन है। क्या है आपका, ISR इज ए सॉफ्टवेयर रूटीन दैट हार्डवेयर इनवोक्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट। जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तो ISR क्या है, एक सॉफ्टवेयर रूटीन है, और इसको कौन इन्वोक करता है, आपका हार्डवेयर इन्वोक करता है। समझ में आया ISR का काम क्या होता है, ISR का काम होता है इंटरप्ट को एग्जामाइन करना, उसको डिटरमाइन करना कि कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या उसकी लॉजिकल वैल्यू दी जाएगी। तो इंटरप्ट से रिलेटेड जितने भी आपके काम है, इंटरप्ट को हैंडल करने से रिलेटेड, उसका रिजल्ट देने से रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे ना, वो कौन हैंडल करेगा, वो ISR हैंडल करेगी। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर रूटीन है दैट हार्डवेयर इनवॉक्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आप इसने सारे इंटरप्ट को हैंडल कर लिया, अब कोई भी इसके पास कोई भी डेटा नहीं है हैंडल करने के लिए, मतलब कि इंटरप्ट क्या हो गई, खत्म हो गई है ना, तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है हैंडल करने के लिए, तो ISR कर्नल को नोटिफाई करेगा विद ए रिटर्न वैल्यू। क्या करेगा, कर्नल को नोटिफाई करेगा कि भाई अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ISR के बारे में हमने समझा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एग्जांपल ही लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, वो यहाँ पे यूज होता है। आपको पता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, जिसमें आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होता है। और मैंने आपको बताया था कि करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसकी डिटेल भी इसके पास होती है। ठीक है, ये हमने रजिस्टर वाली क्लास में किए थे। तो चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आती है, इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी क्या होती है, तो इंटरप्ट लेटेंसी आपसे ना इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि इंटरप्ट लेटेंसी क्या होती है, या फिर आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो इंटरप्ट लेटेंसी क्या है, इंटरप्ट लेटेंसी इज द डिले बिटवीन द टाइम एन इंटरप्ट इज रिसीव्ड एंड द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द ISR, कि एक इंटरप्ट कब आया और उसको ISR ने कब एग्जीक्यूट किया, इस बीच में जो टाइम लगा वो क्या है, आपका इंटरप्ट लेटेंसी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे IRQ का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। याद रखना IRQ का मतलब क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, कि कब इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई और कब उसको रिस्पॉन्स मिला, ये जो डिले है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इंटरप्ट लेटेंसी कह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट पूछने में अगर हेजिटेशन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से भी आप डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा व्हाट्सएप के मैसेजेस भी, व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन है तभी पूछना, आपको पता है ना, ऐसे ही परेशान नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरप्ट कितने टाइप का होता है, तो इंटरप्ट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक और बात थी, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि आवाज का जो वॉल्यूम साउंड है वो कम रहता है, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आवाज ठीक है भी या नहीं, आपको मेरी साउंड समझ में आती भी है या नहीं, वॉल्यूम ठीक है। उसके अगर नहीं आती है तो फिर मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, कोई और माइक वाइक देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, इंटरप्ट क्या है, आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, कौन कौन से हो गए भाई, एक हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट और एक हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सिंपल सी अगर टर्म में समझे तो हार्डवेयर इंटरप्ट वो होता है जो हार्डवेयर जनरेट करेगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो होता है जो सॉफ्टवेयर से जनरेट हो। ठीक है, ये तो क्या हो गई भाई, कॉमन सी डेफिनेशन हो गई, कोई किसी से भी पूछ लो वो डेफिनेशन से बता देगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या हुआ, अभी हमने बताया कि भाई एक सॉफ्टवेयर इसको प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा इसको, सॉफ्टवेयर इसको जनरेट करेगा, वो क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया। हार्डवेयर का एकदम ऑपोजिट रहेगा क्योंकि उसको हार्डवेयर जनरेट कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के और भी नाम होते हैं, वो क्या क्या है आपके,
ट्रैप, एक्सेप्शंस, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के और नाम है। अब यहां पे देखो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में एक्चुअली में होता क्या है, तो इस पॉइंट को समझो कि दे सर्व एज ए सिग्नल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और ए सिस्टम सर्विस टू कैरी आउट ए सर्टेन फंक्शन और रिस्पॉन्ड टू एन एरर कंडीशन। मतलब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया जाता है जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाए, प्रोसेसर को बताया जाए कि अभी क्या आ रहा है, कोई इंटरप्ट आ रहा है और वो भी एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ रहा है, ठीक है। एंड इन सिग्नल्स के लिए क्या देना होगा, अब सॉफ्टवेयर है तो मतलब सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में ही देना पड़ेगा, तो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा जनरेट किया जाएगा जो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का काम करेगा, एंड इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझते जाओ कि भाई कैसे क्या इसकी स्टोरी है, ठीक है। तो हो गया, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं क्यों, और इंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। अब जब भी यहाँ पे हम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे ना, तो हमें पता है कि इंटरप्ट आ गया तो पहले प्रोसेसर इसी को परफॉर्म करेगा, तो प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो, वो उसको वहीं की वहीं क्या कर देगा, रोक देगा, एंड इस इंटरप्ट के पास क्या करेगा, इस इंटरप्ट को वो हैंडल करेगा, स्विचेस ओवर टू ए पर्टिकुलर इंटरप्ट हैंडलर कोड, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि जो इंटरप्ट हैंडलर रूटीन है कंप्लीट्स द रिक्वायर्ड वर्क और हैंडल्स एनी एरर बिफोर हैंडिंग बैक कंट्रोल टू द इंटरप्टेड एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे एरर का मतलब क्या हुआ, कि एरर मतलब कोई प्रोसेस यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट हो रही थी, या तो मान लो उसको कोई और डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है, उसको कुछ और चाहिए, तो इस वजह से भी इंटरप्ट आ सकता है ना, वो वहां से मूव करना चाहेगी, मूव कर जाएगा, मतलब प्रोसेसर दूसरी प्रोसेस पे मूव करेगा, या फिर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए भी उसको दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना पड़ रहा है, तो ये सब क्या है, एक तरह से आपका जो मेन प्रोसेस है वो वहीं की वहीं रुक गई एंड दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो वो क्या हो गया, एक इंटरप्ट हो गया, ठीक है। एंड अगर ये इंटरप्ट सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन आया है आपके पास, तो वो क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, अब देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, मैंने यहाँ पे आपको सारे नोट्स, जैसे आप बनाना चाहो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, तो आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे सब कुछ आपको राइट डाउन करके देती हूँ, जिससे कि क्या हो, अगर आपको बोलने में भी आपकी स्पीड मैच नहीं हो रही है तो आप पॉज करके या तो आप नोट्स को देख के लिख सकते हो, या फिर मेरी आवाज सुन के लिखना चाहो तो हिंदी में वैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट में ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। मेन बात है याद रखना, क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट की बात हो रही है तो एक हार्डवेयर इसको जनरेट करेगा, इसीलिए हार्डवेयर जनरेट करने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी डिवाइसेस हो ना आपके, वो सारे उस बस से कनेक्ट हो, मतलब किससे कनेक्ट हो, आपके इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन से वो डिवाइसेस कनेक्ट हो, ठीक है। ए सिंगल रिक्वेस्ट लाइन इज यूज फॉर ऑल द एंड डिवाइसेस। अब कितने भी डिवाइस आप कनेक्ट कर लो, हमने पीछे भी बात करी थी जब हम बात कर रहे थे एक कॉमन बस सिस्टम आर्किटेक्चर की, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक सिंगल बस से हम एक सिंगल बस जनरेट कर पा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर को यूज करके, ट्राई स्टेट बफर को यूज करके, कैसे हमने एक सिंगल बस वहां पे फॉर्म की थी, है ना। तो यहाँ पे एक सिंगल रिक्वेस्ट लाइन, मतलब एक ही लाइन पे आपके सारे डिवाइसेस क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, हर डिवाइस के लिए अलग अलग लाइन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तब क्या होगा, ए डिवाइस क्लोजेस इट्स एसोसिएटेड स्विच। एक इंटरप्ट आया है, इसकी पहचान क्या हुई कि वो उस डिवाइस ने क्या कर लिया, उससे रिलेटेड जो भी स्विच था ना उसको उसने क्लोज कर दिया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि व्हेन ए डिवाइस रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट द वैल्यू ऑफ इंट आर इज द लॉजिकल ओर ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिवाइस। ये याद रखना, यहाँ पे ये क्या आएगा आपका लॉजिकल ओर। अगर स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब
इंटरप्ट रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहाँ पे लॉजिकल और आ रहा है, ठीक है, लॉजिकल एंड नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डिवाइस रेज एन IRQ, मतलब कि एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज की जाएगी। उसके बाद प्रोसेसर क्या करेगा, अपने जो भी प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वो वहीं की वहीं क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रिज्यूम आपका सस्पेंड कर देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या होगा हमारा कि जो डिवाइस है ना, डिवाइस इज इन्फॉर्म्ड दैट इट्स रिक्वेस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड द डिवाइस डीएक्टिवेट्स द रिक्वेस्ट सिग्नल। इस लाइन का क्या मतलब समझ में आया कि जो डिवाइस है वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। क्यों इन्फॉर्म करेगा, जिससे कि वो इन्फॉर्म करके ये बताएगा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को पहचान लिया गया है, तुम्हारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हैंडल किया जा रहा है और अभी तुम क्या करो, अपनी रिक्वेस्ट जो सिग्नल तुमने जनरेट किया है ना उसको डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। फिर आपका जो रिक्वेस्टेड एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड इंटरप्ट इज एनेबल्ड एंड द इंटरप्ट प्रोग्राम इज रिज्यूम्ड, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट रेज करी, उसके बाद जो भी प्रोसेसर करंटली काम कर रहा है उसको बंद करेगा, डिवाइस जो है आपका वो इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको डिवाइस को क्या इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई तुम्हारा काम चल रहा है, अभी तुम अपने रिक्वेस्ट सिग्नल को डीएक्टिवेट कर दो। फिर उसकी रिक्वेस्टेड जो भी उसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाएगा एंड इंटरप्ट का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तब आपकी प्रोसेस वापिस से क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। समझ में आ गया ना, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है आपका, ये थर्ड वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि डिवाइस को ये सारी बातें बताई जाती है। अब मान लो आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज है और उनमें से काफी सारे डिवाइसेज ने एक साथ क्या कर दी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट डाल दी, है ना, एक साथ ही उन्होंने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल डाल दिया। अब उनमें से कौन सा इंटरप्ट पहले हैंडल किया जाएगा, ये कैसे सिलेक्ट होगा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं टू हैंडल मल्टीपल डिवाइसेज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सबसे पहला है आपका पॉलिंग, सेकेंड है आपका वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड थर्ड है आपका इंटरप्ट नेस्टिंग। कितने मेथड है हमारे पास, तीन मेथड है टू हैंडल मल्टीपल डिवाइस इंटरप्ट रिक्वेस्ट, पॉलिंग, वेक्टर्ड इंटरप्ट और इंटरप्ट नेस्टिंग, ठीक है। अब ये पॉलिंग क्या होती है, तो पॉलिंग के अंदर देखो पॉलिंग और इंटरप्ट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस की बात करूं तो आपको पॉलिंग भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट के अंदर क्या होता है कि एक सिग्नल जनरेट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भाई CPU को अभी फिलहाल वो रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, ठीक है। इतना क्या होता है, ये इंटरप्ट का काम है। अब पोलिंग का काम क्या है कि इन पोलिंग CPU स्टेडली चेक्स वेदर द डिवाइस नीड्स अटेंशन। मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे मान लो कि कितने डिवाइस है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका CPU। इसमें क्या होगा, इंटरप्ट वाले में इन्होंने क्या कर दिया, इंटरप्ट आपके जो सिग्नल है वो रेस कर दिया, बस काम खत्म हो गया इसका। इसने सिग्नल डालना था, इसने सिग्नल डाल दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। पोलिंग क्या करेगा, पोलिंग पहले यहाँ पे पोलिंग में क्या होगा कि CPU क्या करेगा, पहले इससे पूछेगा क्या तुम्हें अटेंशन चाहिए, मतलब कि क्या तुम्हें इंटरप्ट देना है, अगर नहीं फिर क्या करेगा, फिर इससे पूछेगा क्या तुम्हें इंटरप्ट देना है, इससे पूछेगा क्या तुम्हें देना है, इससे पूछेगा क्या तुम्हें देना है, फिर इससे पूछेगा क्या तुम्हें इंटरप्ट देना है। इनमें से जिसको भी इंटरप्ट देना है वो दे सकता है, ठीक है, वो दे देगा। फिर यहाँ पे फिर कंटिन्यू पूछता रहेगा। तो पोलिंग में क्या होता है कि CPU लगातार पूछता रहता है डिवाइसेस से कि क्या तुम्हें इंटरप्ट रिक्वेस्ट देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो पोलिंग में ये होता है, इंटरप्ट इज नॉट ए प्रोटोकॉल, इट्स ए हार्डवेयर मैकेनिज्म, ठीक है। और पोलिंग क्या है आपका, एक प्रोटोकॉल है। इन इंटरप्ट द डिवाइस इज सर्विस्ड बाय इंटरप्ट हैंडलर और इन पोलिंग डिवाइस इज सर्विस्ड बाय CPU। इंटरप्ट में क्या हुआ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट दे दी, अब वो इंटरप्ट को कौन हैंडल कर रहा है, इंटरप्ट हैंडलर हैंडल कर रहा है। और पोलिंग में बार बार डिवाइसेस से कौन पूछ रहा है, CPU पूछ रहा है। इंटरप्ट कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है, वेयर एज CPU स्टेडली बैलेंस द डिवाइस एट रेगुलर और प्रॉपर इंटरवल।
यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरप्ट कभी भी हो सकता है, कभी भी आप इंटरप्ट यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉलिंग के अंदर सीपीयू कंटिन्यू रेगुलर एक टाइम इंटरवल में क्या करता रहेगा, पूरे प्रॉपर तरीके से डिवाइसेस से पूछता रहेगा, ठीक है, उनके टच में रहेगा। इन इंटरप्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज यूज्ड एज इंडिकेशन फॉर इंडिकेटिंग दैट डिवाइस रिक्वायर्स सर्विसिंग। यहाँ पे क्या मेन बात है, यहाँ पे आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है जो इंडिकेट करती है कि भाई उसको सर्विस चाहिए। While in polling, command ready beat, यहाँ पे command ready beat is used as indication for indicating that device requires servicing. मतलब जब CPU बार बार में सभी से पूछता रहेगा कि क्या तुम्हें attention चाहिए, क्या तुम्हें attention चाहिए, जिसको भी attention चाहिए वो क्या करेगा, command ready beat को दे देगा। command ready beat उसने set कर दी, इसका मतलब उसको attention चाहिए, अब उसकी service क्या की जाएगी, handle की जाएगी, ठीक है। In interrupt, processor is simply disturbed once any device interrupt it. एक बार ही क्या करता है, ये उसको disturb करता है, ठीक है। On the opposite hand, in polling, processor waste countless processor cycle by repeatedly checking the command ready little bit of each device. मतलब क्या हुआ कि interrupt में तो उसने एक बार ही डाल दिया, भाई एक बार बॉस ने आके तुम्हें काम दे दिया, ठीक है, बात खत्म हुई, वो दोबारा नहीं आएगा, तुम अपना काम करो, वो नहीं आएगा दोबारा। लेकिन पोलिंग में क्या होता है कि प्रोसेसर बार बार पूछता रहता है, तो उस अब पूछेगा तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, उसको उसके पास जाना पड़ेगा, एक साइकिल जनरेट होगी, तो बार बार वो क्या करेगा, वहां पे वेस्ट कर रहा है एक तरह से थोड़ा टाइम अपना कि उनसे पूछने के लिए कि क्या तुम्हें अटेंशन चाहिए, क्या तुम्हारी जो कमांड रेडी बिट है क्या तुम्हें वो देनी है। तो ये क्या होती है, आपकी पॉलिंग होती है। समझ में आ गया इंटरप्ट और पॉलिंग में डिफरेंस, और एक पॉलिंग क्या होती है वो भी आपको अभी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका सेकंड मेथड, वेक्टर्ड इंटरप्ट। अब वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या करता है, तो इसमें देखो, इन वेक्टर्ड इंटरप्ट अ डिवाइस रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट आइडेंटिफाइज इटसेल्फ directly by sending a special code to the processor over the bus. मतलब बहुत सारे बात किसकी हो रही है, multiple devices की request को handle करने की। अब पांच devices ने एक साथ request डाली, इन पांच में से जिसको भी ज्यादा जल्दी चाहिए काम, वो क्या करेगा, एक special code अपनी request के साथ attach करके दे देगा और bus पे डाल देगा, है ना। उसने क्या कर दिया, एक special code यहाँ पे दे दिया। This enables the processor to identify the device that generated the interrupt. The special code can be starting address of the ISR or where the ISR is located in memory and is called the interrupt vector. समझ में आ गया, उस special code में क्या हो सकता है, interrupt service जो आपकी routine है उसका starting address भी हो सकता है, या फिर वो memory में कहाँ locate है वो भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये आपका वेक्टर्ड इंटरप्ट कहलाता है। वेक्टर्ड इंटरप्ट में एक स्पेशल कोड क्या किया जाता है, साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरप्ट नेस्टिंग। इंटरप्ट नेस्टिंग क्या होती है, देखो इसके अंदर हम प्रायोरिटी यूज करते हैं। इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रायोरिटी का मेथड यूज करते हैं, जैसे कि हाइएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी, आपको पता है ना, हाइएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। एंड यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो साथ में क्या करेगी, अपनी प्रायोरिटी को भी साथ में अटैच करके देगी, जिसकी जितनी प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ए हायर प्रायोरिटी डिवाइस इज रिकॉग्नाइज्ड वेयर एज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लोअर प्रायोरिटी डिवाइस इज नॉट। प्रोसेसर एक्सेप्ट इंटरप्ट्स ओनली फ्रॉम डिवाइस प्रोसेस हैविंग प्रायोरिटी। प्रोसेसर्स प्रायोरिटी इज एनकोडेड इन ए फ्यू बिट्स ऑफ PS, मतलब प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर। इट कैन बी चेंज्ड बाय एनी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट राइट इनटू प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। प्रोसेसर इज इन सुपरवाइज्ड मोड ओनली व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन। इट स्विचेस टू यूजर मोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी है उसके लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, आपका प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रूटीन्स परफॉर्म होती है वो आपकी सुपरवाइज्ड मोड में होती है, और जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो आपको सुपरवाइज्ड मोड से यूजर मोड में स्विच करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरप्ट नेस्टिंग के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट में एक स्पेशल कोड यूज कर रहे हैं, एंड पोलिंग आपको समझ में आ गया।
तो ये क्या हो गया, आपका जनरल इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 इंटरप्ट होते हैं एंड इन इंटरप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहला जो इंटरप्ट है वो है आपका ट्रैप। आपको ये नाम भी याद होने चाहिए एंड यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो एक बार इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रख लेना। ट्रैप क्या है आपका? सबसे पहली बात कि ट्रैप आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि नॉन मास्केबल और मास्केबल में डिफरेंस क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए देख लो कि ट्रैप क्या है, आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। That is generated by an external device such as a power failure or hardware malfunction. अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ट्रैप किससे जनरेट होता है, तो किसी ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस से ही वो जनरेट होता है। वो एक्सटर्नल डिवाइस कौन सा हो सकता है? जैसे मान लो कोई पावर फेलियर हो गया, कोई हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका कौन सा इंटरप्ट आएगा? ट्रैप इंटरप्ट आएगा, ठीक है। ट्रैप इंटरप्ट हैज द हाइएस्ट प्रायोरिटी एंड कैन नॉट बी डिसेबल्ड। कौन? तीन बातें याद रखनी है, क्या क्या? ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ट्रैप किसी एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से जनरेट होता है, और एक फोर्थ क्या है बात आपकी, कि ये डिसेबल नहीं किया जा सकता। फिर आता है आपका RST 7.5। RST 7.5 आपका मास्केबल इंटरप्ट है। कौन जनरेट करेगा? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इसको जनरेट करेंगे। इट हैज द सेकेंड हाइएस्ट प्रायोरिटी। थर्ड आता है आपका RST 6.5। ये भी क्या है? आपका मास्केबल इंटरप्ट रहेगा। कौन जनरेट करता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। थर्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। ये सारे आपके हाइएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा आपकी ट्रैप है, उसके बाद आपकी RST 7.5 है, उसके बाद आपका RST 6.5 आएगा, फिर आपका RST 5.5 आएगा, एंड सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में आपका इंट आर आता है, ठीक है। फोर्थ इंटरप्ट आपका कौन सा है? RST 5.5। ये भी क्या है? आपका मास्केबल इंटरप्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इसको जनरेट करता है, फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। फिफ्थ है आपका इंट आर। ये क्या है? आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इसको हम बोल सकते हैं मास्केबल इंटरप्ट है। That is generated by an external device such as keyboard or a mouse. It has the lowest priority and can be disabled. तो हमने 5 interrupt यहाँ पे discuss करे, कौन कौन से? सबसे पहला है आपका trap, जो कि non-maskable interrupt रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सिर्फ trap ही एक ऐसा interrupt है जो कि non-maskable है, बाकी चारों क्या है? आपके maskable interrupt रहेंगे। ट्रैप और इंट आर एक्सटर्नल डिवाइस से जनरेट होते हैं, एंड जो बाकी के 3 है आपके, वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से जनरेट होते हैं। उसके अलावा ट्रैप इंटरप्ट को डिसेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन इंट आर को डिसेबल किया जा सकता है। ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है और इंट आर लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ट्रैप है वो पावर फेलियर हार्डवेयर मैलफंक्शन की वजह से जनरेट होता है, और इंट आर कीबोर्ड और माउस से यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। आपसे सिर्फ आरएसटी के इन 3 इंटरप्ट की भी क्या पूछ सकते हैं? प्रायोरिटी का आप पूछ सकते हैं कि प्रायोरिटी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो इसमें RST 5.5 की लोएस्ट प्रायोरिटी है, फिर सेकेंड आपकी RST 6.5 की प्रायोरिटी आएगी, एंड हाइएस्ट प्रायोरिटी RST 7.5 की आएगी। अगर इन 3 इंटरप्ट की यहाँ पे बात करें तो RST 5.5 लोएस्ट पे है, RST 7.5 हाईएस्ट पे है। इतना बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि व्हेन माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स एनी इंटरप्ट सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरल्स विच आर रिक्वेस्टिंग इट्स सर्विस, इट स्टॉप्स इट्स करंट एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सब रूटीन by generating call signal and after executing sub routine by generating RAT signal again program control is transferred to main program from where it had stopped. तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल याद रखने हैं, कौन कौन से? एक है आपका कॉल सिग्नल। कॉल सिग्नल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका जो इंटरप्ट आ रहा है वो करंट एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, प्रोसेसर उसको स्टॉप कर देगा, एंड जो प्रोग्राम का काउंट आपका जो प्रोग्राम कंट्रोलर है वो क्या हो जाएगा,
ट्रांसफर हो जाएगा सब रूटीन को बाय जनरेटिंग कॉल सिग्नल, ठीक है, और वापिस से वो पहले वाले प्रोग्राम को रिज्यूम करेगा, स्टार्ट करेगा वो किस सिग्नल के थ्रू, वो आपका रेड सिग्नल जनरेट करके। तो कॉल सिग्नल से क्या होता है, आपका इंटरप्ट हैंडल हो रहा है कॉल सिग्नल के बाद, एंड रेड सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद व्हेन माइक्रोप्रोसेसर रिसीव्स इंटरप्ट सिग्नल, इट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द पेरिफेरल व्हिच इज रिक्वेस्टिंग फॉर इट्स सर्विस। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि डिवाइस को बताना पड़ेगा कि उसकी रिक्वेस्ट हैंडल की जा रही है, तो मतलब उसको एक एक्नॉलेजमेंट वहां पे देनी पड़ेगी, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इसको हम बोल सकते हैं, इंट ए। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखिए कि जो इंटरप्ट्स है कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। एक है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सेकंड है आपका वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, ये ऊपर हमने अभी डिस्कस किया डिटेलिंग में, तो यहाँ पे कम ही पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। क्या क्या है देखो, व्हेन माइक्रोप्रोसेसर रिसीव्स इंटरप्ट सिग्नल थ्रू पिंस, पिंस का मतलब हार्डवेयर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, दे आर नोन एज हार्डवेयर इंटरप्ट। टोटल हमारे पास कितने हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी, टोटल आपके पास कितने हार्डवेयर इंटरप्ट है, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, इंटर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप, ये पांचों क्या है आपके हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर दोज विच आर इंसर्टेड इन बिटवीन द प्रोग्राम, विच मीन्स दीज आर मैनियमोनिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है आपके, मैनियमोनिक्स है, और हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए क्या यूज हुई है, पिंस यूज हुई है। टोटल हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं, टोटल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये पॉइंट्स जो इनके नाम यहाँ पे मेंशन है ना, एक बार देख लेना कि कौन कौन से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7, ये सारे क्या है आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। अब वेक्टर्ड इंटरप्ट्स कौन से होते हैं, विच हैव फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट एड्रेस। वेक्टर्ड इंटरप्ट, जैसे ऊपर हमने बात किया, वेक्टर्ड इंटरप्ट में एक स्पेशल कोड हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, है ना, उस स्पेशल कोड में आपका एड्रेस हो सकता था, जो आपके इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है उसकी, उसका क्या हो सकता था, वहां पे एड्रेस हो सकता था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट वे होते हैं जिनमें एक फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस होता है, मतलब कि एक स्पेशल कोड होता है। अब ये फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस क्या हो सकता है, आपका स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है ऑफ सब रूटीन, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाता है। वेक्टर एड्रेस के लिए एक फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूले को याद रख लेना, कैलकुलेट करना नहीं आता है, 8 × में टाइप। वेक्टर एड्रेस आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 8 × टाइप। अब यहां पे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस क्या है, ये पूछ लिया जाता है कि भाई इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस क्या है। तो एक नजर मार लो इन पे। हार्डवेयर इंटरप्ट की सबसे पहले हम बात करें तो ट्रैप, यहाँ पे देखो ट्रैप का क्या रहेगा आपका 24H है। RST 5.5 का क्या रहेगा 2CH, RST 6.5 का है 34H, RST 7.5 का है 3CH। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए ट्रैप का रहेगा, तो 24H इसका क्या है, वेक्टर एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, क्या है ये स्टार्टिंग एड्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे RST 0 का 00H, RST 1 08H, RST 2 10H, RST 3 18H, RST 4 20H, RST 5 28H, RST 6 30H, RST 7 38H। अब नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होते हैं, जिनका कोई वेक्टर एड्रेस प्रीडिफाइन नहीं होता, वो क्या होते हैं, नॉन वेक्टर्ड
इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। इंटरप्टिंग डिवाइस गिव्स द एड्रेस ऑफ सब रूटीन फॉर दीज इंटरप्ट। इंट आर इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सारे इंटरप्ट क्या है आपके, वेक्टर्ड इंटरप्ट है, केवल इंट आर को छोड़ के। वो एक अकेला बेचारा ऐसा इंटरप्ट है जो क्या है आपका, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट रहेगा। ठीक है, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड समझ में आ गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पे बातें आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्केबल इंटरप्ट आर दोज विच कैन बी डिसेबल और इग्नोर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या समझ में आया कि मास्केबल इंटरप्ट वो होते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, जिनको डिसेबल किया जा सकता है, वो इंटरप्ट आपके मास्केबल इंटरप्ट हो गए। अब ये इंटरप्ट में भी दो कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, या तो ये इंटरप्ट एज ट्रिगर्ड होंगे या फिर ये इंटरप्ट लेवल ट्रिगर्ड होंगे, दोनों नहीं होंगे, या तो एज ट्रिगर्ड होगा या फिर लेवल ट्रिगर्ड होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ट्रैप आपका एज ट्रिगर्ड है, लेवल ट्रिगर्ड है या बोथ है, तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरप्ट आपके या तो एज ट्रिगर्ड होंगे या फिर लेवल ट्रिगर्ड होंगे, और इनको डिसेबल भी किया जा सकता है। int r RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये सब क्या है आपके मास्केबल इंटरप्ट है, और इधर एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड, इधर याद रख लेना दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा इनमें से। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, जिनको डिसेबल नहीं किया जा सकता, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्रैप आपका एक अकेला ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, और ये दोनों होते हैं, ये आपका लेवल भी रहेगा और एज ट्रिगर्ड दोनों रहेगा। ठीक है, ट्रैप इज बोथ लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। ठीक है, एंड इज यूज्ड इन क्रिटिकल पावर फेलियर कंडीशन। बात समझ में आई, कौन सा मास्केबल होता है, कौन सा नॉन मास्केबल होता है, कौन से एज ट्रिगर्ड होते हैं, कौन से लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ट्रैप आपका दोनों होता है, और बाकी के जो बच गए आपके वो कोई भी हो सकता है, या तो एज ट्रिगर्ड होगा या फिर लेवल ट्रिगर्ड होगा। अब यहाँ पे कुछ और डिफरेंस की अगर हम बात करें मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट में, तो देखो मास्केबल इंटरप्ट इज ए हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है, दैट कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीयू। नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज ए हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैनॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीयू। अब सिंपल सी बात है, हार्डवेयर इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। हार्डवेयर इंटरप्ट या तो मास्केबल होगा या नॉन मास्केबल होगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही अलग हो गए, तो यहाँ पे ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट पे हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन मास्केबल इंटरप्ट अकर इट कैन बी हैंडल्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन, याद रखने ये बात। व्हेन नॉन मास्केबल इंटरप्ट अकर द करंट इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटस आर स्टोर्ड इन स्टैक फॉर द सीपीयू टू हैंडल द इंटरप्ट। नॉन मास्केबल में क्या हो रहा है, करंट इंस्ट्रक्शन की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं स्टोर कर दिया जाता है और फिर इन इंटरप्ट को हैंडल किया जाएगा। और मास्केबल में क्या होता है, मास्केबल क्योंकि उनको इग्नोर किया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मास्केबल इंटरप्ट में क्या होता है कि पहले करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद इनको हैंडल किया जाएगा। मास्केबल इंटरप्ट हेल्प टू हैंडल लोअर प्रायोरिटी टास्क एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट हेल्प टू हैंडल हायर प्रायोरिटी टास्क सच एज वॉच डॉग टाइमर। मास्केबल इंटरप्ट यूज्ड टू इंटरफेस विद पेरिफेरल डिवाइसेस और नॉन मास्केबल इंटरप्ट यूज्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस, फॉर एग्जाम्पल पावर फेलियर, स्मोक डिटेक्टर एटसेट्रा। इन मास्केबल इंटरप्ट रिस्पॉन्स टाइम इज हाई और इन नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिस्पॉन्स टाइम इज लो। तो ये क्या है, इसके कुछ डिफरेंस है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे देखो। मास्केबल इंटरप्ट मे बी वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड, और यहाँ पे क्या है, ऑल आर वेक्टर्ड इंटरप्ट। ऑपरेशन कैन बी मास्क्ड और मेड पेंडिंग, ऑपरेशन कैन नॉट बी मास्क्ड और मेड पेंडिंग। RST 6.5, RST 7.5, RST 5.5, ये क्या है आपके कुछ एग्जाम्पल है मास्केबल के। ट्रैप क्या है आपका, नॉन मास्केबल का एग्जाम्पल रहेगा। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी देखो, लोएस्ट टू हाईएस्ट की अगर हम बात करें
तो इन टायर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे है, फिर उसके उससे ज्यादा RST 5.5 है, उससे ज्यादा RST 6.5 है, उससे ज्यादा RST 7.5 है, हाईएस्ट आपका ट्रैप रहेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरप्ट, अब बात करेंगे किसकी, इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरप्ट। टोटल यहां पे 4 इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं एक इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट है आपका EI, एनेबल इंटरप्ट। ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स ही बता रही हूं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप इस पॉइंट इनके अंदर का कंटेंट देख सकते हो। एनेबल इंटरप्ट नाम से पता चल रहा है कि EI इस इंस्ट्रक्शन को कब सेट किया जाएगा, जब आपको आपको इंटरप्ट देना है तब हम क्या करेंगे, इस एनेबल इंटरप्ट को सेट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी फ्लैग आपका इफेक्ट नहीं होता है। आफ्टर ए सिस्टम रीसेट द इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट दस डिसेबलिंग द इंटरप्ट। दिस इंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी टू एनेबल द इंटरप्ट अगेन एक्सेप्ट ट्रैप। नेक्स्ट है आपका डिसेबल इंटरप्ट। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीसेट द वैल्यू ऑफ एनेबल फ्लिप फ्लॉप हैंस डिसेबलिंग ऑल द इंटरप्ट। नो फ्लैग आर अफेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। थर्ड है आपका सिम सेट इंटरप्ट मास्क। इट इज यूज टू इंप्लीमेंट द हार्डवेयर इंटरप्ट RST 7.5, 6.5, 5.5 by setting various bits to form mask or generate output data via the serial output data line. Fourth है आपका RIM, read interrupt mask. This instruction is used to read the status of the hardware interrupt RST 7.5, 6.5, 5.5, ठीक है, by loading into AQA register a byte which defines the condition of the mask bit for the interrupt. ये interrupt सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, इनकी full form पता होनी चाहिए, बाकी इनसे related content में इनसे related कोई question नहीं आता है, ठीक है। Uses देख लो interrupt के क्या क्या है। Real time processing में आपके interrupts use हो जाते हैं, multitasking में use कर सकते हो, input output operation में हम इनको use करते हैं, error handling में भी आप interrupt को use कर सकते हो, पावर मैनेजमेंट में हम इनको यूज कर सकते हैं। इशू क्या आते हैं, अब इंटरप्ट के यूज है तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो इसके साथ इशू क्या हो सकते हैं, प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है यहाँ पे। उसके अलावा रेस कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है, इंटरप्ट लेटेंसी की यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इंटरप्ट लेटेंसी क्या है, आपका टाइम डिले जो ऊपर हमने डिस्कस किया। और रेस कंडीशंस क्या होती है, रेस कंडीशन होती है जब मल्टीपल प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको रेस कंडीशंस बताई होंगी, तो वहां पे आपको पता चला होगा रेस कंडीशंस क्या होती है। वही है ये कि रेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस द सेम रिसोर्स। और प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे इंटरप्ट सिग्नल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी के साथ आ गए, ठीक है। इफ मल्टीपल इंटरप्ट अकर साइमल्टेनियसली इट कैन लेड टू प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजल्ट इन इनकरेक्ट ऑपरेशन और सिस्टम फेलियर। तो ये तीन क्या है आपके, इसके साथ इशू आ सकते हैं। उसके अलावा एक इंटरप्ट नेस्टिंग हमने डिस्कस कर ही ली है कि क्या होती है, ये वही प्रायोरिटी वाले में ही आ सकता है, प्रायोरिटी इंटरप्ट वाला जो इशू आया है उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट ओवरहेड। इसमें क्या होता है, अब आपको इंटरप्ट आ रहा है तो एक एडिशनल अलग से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पे रिसोर्सेज यहाँ पे देने पड़ेंगे इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरहेड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड जो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने आज की क्लास में पूरा इंटरप्ट का टॉपिक डिस्कस कर लिया। इंटरप्ट से रिलेटेड इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसके लिए आपके लिए क्लास क्या रहेगी, काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कमेंट करके बता सकते हो क्लास कैसी लगी, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।